नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप मेरे साथ देख रहे हो प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, आज का पेज बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन पेज। प्रोसेस का मतलब होता है एक प्रोडक्ट बनाने में जो कंप्लीट चीजें, कंप्लीट सेटिंग्स लगती हैं, उसका ये ओवरऑल पेज है। इस पेज में आप समझ जाओगे क्या क्या चीजें होती हैं और क्या मतलब होता हर एक चीज का, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इसके साथ साथ आप लोग क्या करते हो, वीडियो देख लेते हो, चैनल को नहीं सब्सक्राइब करते हो। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल की घंटी दबाना है ताकि हर एक वीडियो देख सको आप, कुछ ना मिस हो। सारे टॉपिक, ये टॉपिक मैं अपने लिए नहीं बना रहा हूँ, ये आप ही लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो क्या है, आप सारे टॉपिक देख लो, सीख लो, जहां भी हो इंडस्ट्री में हर एक चीज आपको पता रहे। उसके बाद कोई और चीज सीखनी हो डिटेल में और ज्यादा जानना हो, तो ऐप को हमारा डाउनलोड कर लो और उसमें जो है इंजेक्शन मोल्डिंग कोर्स को एनरोल कर लो प्लास्टोटेक ऐप के अंदर, और वहां से और चीजें जो बची खुची चीजें हैं वो भी अच्छे से सीख जाओ एक कमांडिंग वे में। तो यहां पे देखिए क्या है, आपको कई चीजें लिखी, जैसे यहां देखिए टाइम लिखा, यहां इंजेक्शन लिखा, यहां होल्डिंग लिखा, स्विच ओवर क्राइटेरिया, डोजिंग, ये कुछ चीजें आपको लिखा। यहां पे देखिए मेल्ट कुशन लिखा हुआ है। तो इतनी चीजें आपको यहां मैं बताने वाला हूं। शुरुआत करते हैं टाइम पे। यहां पे देखिए दो चीजें हैं, एक सेट होता है, एक एक्चुअल होता है। सेट मतलब यहां आप सेट करोगे, और ये जितना इस कलर में है आप देख रहे हो ये सारा ऑटोमेटिक जो मशीन देगी आपको। अब यहां पे जैसे साइकिल मॉनिटर टाइम है, साइकिल मॉनिटर का मतलब होता है कि एक प्रोडक्ट बनाने में आपका कितना टाइम लगा। तो जैसे कि एक साइकिल पूरा होता है तो आपका कितना टाइम लगा, मान लीजिए एक्चुअल में आपका लगा 30 सेकंड, 30 सेकंड में आपका एक साइकिल पूरा हो गया। यहाँ पे आप थोड़ा ज्यादा सेट रखते हो, जैसे आपको एक अनुमान पता चल गया 30 के अंदर बन जाता है, तो आप यहाँ 50, 60, 70 सेट कर दो ताकि जो है इस टाइम के अंदर आ जाए। अगर ये टाइम टच हो गया तो क्या होगा, अलार्म आ जाएगा तुरंत साइकिल टाइम एक्सीडेड करके। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। उसके बाद ब्लॉकिंग टाइम, मतलब एक साइकिल से दूसरे साइकिल, ब्लॉक का मतलब क्या होता है, जैसे अलग अलग ब्लॉक होते हैं, एक ब्लॉक, दो ब्लॉक, तो वैसे ही एक साइकिल से दूसरे साइकिल के बीच में शुरुआत होने में कितना टाइम लग रहा है, तो ये ऑटोमेटिक टाइम है जो आपकी मशीन आपको बताएगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए पॉज लिखा है, पॉज का मतलब यहाँ डिले की बात हो रही है। पॉज क्या होता है, कोई चीज रोकना फिर चलना, उसी तरीके डिले, थोड़ा सा देरी दे देना, तो यहाँ पे डिले टाइम आप सेट कर सकते हो। ये कूलिंग होता है, कूलिंग जो टाइम आप सेट करोगे यहाँ पे आप सेट करोगे और यहाँ एक्चुअल टाइम बताएगा कि कूलिंग में कितना टाइम लगा। अब नेक्स्ट है आपका इंजेक्शन। इंजेक्शन में क्या चीजें हैं, इंजेक्ट करा रहे हो मटेरियल, तो उसमें तीन चार चीजें होती, प्रेशर, स्पीड, डिले और टाइम। टाइम आप नहीं सेट करोगे, टाइम आपको बताएगा मशीन कि कितने टाइम में आपका इंजेक्शन हो गया। अब यहां पे आप प्रेशर जैसे आप सेट करोगे, इंजेक्शन प्रेशर, इंजेक्शन स्पीड और यहां पे डिले टाइम। अब देखिए mm पर सेकेंड में, यहां पे परसेंटेज में नहीं है, तो यहाँ पे आप उस हिसाब से सेट कर सकते हो कि जितने आपकी मशीन की कैपेसिटी है टोटल कितने mm पर सेकंड में, और उसके बिहाफ पे आप यहाँ पे रख सकते हो। नेक्स्ट है होल्डिंग। होल्डिंग में भी दो ऑप्शन है, सेट और एक्चुअल। अब ये टाइम जो है ये आपका एक्चुअल कितना टाइम लग रहा है वो बता रहा है यहाँ पे। सेट करने के लिए होल्डिंग प्रेशर टाइम बेस पे है, तो यहाँ पे सेकंड पे आप रख सकते हो, सारी चीजें टाइम बेस पे है इस समय। और यहाँ पे होल्डिंग टाइम आप दे सकते हो, होल्डिंग प्रेशर दे सकते हो, होल्डिंग स्पीड आप सेट करा सकते हो। होल्डिंग कब होता है, जब आपका इंजेक्शन हो जाता है, इंजेक्शन होने के बाद पैकिंग टाइम जो लेता है पैक करने पूरा मटेरियल, उस टाइम को हम कहते हैं होल्डिंग टाइम। नेक्स्ट है डोजिंग। डोजिंग मतलब नेक्स्ट, मतलब आप जो साइकिल है उसके लिए मटेरियल प्रिपेयर कर रहे हो बैरल के अंदर, तो वहां पे है कई चीजें हैं। डोजिंग डिले देना चाहते हो, एक बार बन गया मटेरियल, इंजेक्ट हो गया, अब जब दोबारा प्रोसेस शुरू हो रहा तो आप डिले देना चाहते हो, थोड़ी देर का डिले दे सकते हो, वो आप पे निर्भर करता है, आपके मटेरियल पे निर्भर करता है कि ये देना है कि नहीं देना। स्पीड, कितने स्पीड से आप स्क्रू को घुमाना चाहते हो, वो चीज है यहाँ। डोजिंग टाइम, ये आपको बताया जाएगा मशीन द्वारा। बैक प्रेशर आप सेट करना चाहते हो, बैक प्रेशर का बहुत डिटेल वीडियो है हमारे कोर्स पे, जाके देख लीजिएगा, पूरा डिटेल में समझ जाओगे आप। ये बैक प्रेशर जो है ये मशीनरी है, ये मैनुअल आप देना चाहो तो मैनुअल भी आप दे सकते हो इस मशीन पे, हो सकता है आपकी मशीन पे ना हो, कोई कोई पुरानी मशीनें थी वहां पे मैनुअल सिस्टम होता था तो वहां से हम उसको दे सकते थे। नेक्स्ट है डोजिंग स्टॉप, कितने mm तक आप स्क्रू को पीछे ले जाना चाहते हो, वो चीज़ है यहाँ पे डोजिंग स्टॉप पे। स्क्रू रिट्रैक्ट, सक बैक की बात हो रहा है, स्क्रू रिट्रैक्ट पीछे आता है जो। नेक्स्ट है स्विच ओवर क्राइटेरिया। अब जो है आपका इंजेक्शन और होल्डिंग के बीच में, जब इंजेक्शन फेज से आप होल्डिंग फेज पे शिफ्ट करते हो तो यहाँ पे स्विच ओवर आपका रोल प्ले करता है। स्विच ओवर कई
बेस पे होता है, यहाँ पे स्ट्रोक पे रखना चाहते हो स्ट्रोक बेस पे तो स्ट्रोक पे, टाइम बेस पे रखना चाहते हो टाइम पे रख सकते हो आप, प्रेशर बेस पे रखना चाहते हो तो प्रेशर बेस पे रख सकते हो। ये प्रोफाइल का ऑप्शन है, तीन प्रोफाइल दी गई हैं, इंजेक्शन प्रोफाइल है, होल्डिंग प्रोफाइल पे जाना चाहते हो देखना चाहते हो तो होल्डिंग प्रोफाइल देख सकते हो, डोजिंग पर क्लिक करोगे तो डोजिंग प्रोफाइल। अब जितना आपका मेल्ट कुशन बचेगा, आपका जो है स्विच ओवर वगैरह लगा दिए होल्डिंग के बाद जो भी मटेरियल बचेगा वो सब आपका मेल्ट कुशन होता है। तो जितना कुशन बचेगा, मान लीजिए 2 mm कुशन बच रहा है, 2 mm एक्स्ट्रा मटेरियल बच रहा है सारा साइकिल पूरा होने पर, तो वो चीज़ आपकी यहाँ पर 2 करके लिख के आ जाएगी। तो ये चीज़ था, ये ओवरऑल पेज है हमारा प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन का। उम्मीद करता हूँ ज़रूर समझ गए होगे। कोई पॉइंट रह गया हो या नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट करिए, मैं बताऊँगा आपको। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, कोई और टॉपिक लेके कोई और पेज पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।